नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। जहां पूरे भारत देश में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, रावण दहन कर असत्य पर सत्य की जीत हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया। जी हां, यहां दशहरा रावण दहन के त्यौहार को एक महिला ने अपने ही पति, सास ससुर व ननंद की तस्वीर लगाकर रावण की जगह उनका दहन कर दिया, जिसके कारण ये दहन जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या है, चलिए आपको अपनी इस पूरी रिपोर्ट में बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे का है, जहां कस्बे में रहने वाली प्रियंका की शादी संजीव दीक्षित से 14 साल पहले हुई थी, लेकिन पति का अवैध संबंध पहले से ही उसकी बहन की सहेली से था। जहां पति प्रियंका को शादी के कुछ दिनों बाद घर पर छोड़कर पुष्पांजलि नाम की लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा, वहीं जब प्रियंका को इस बात की जानकारी हुई तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सास ससुर व ननंद की सहमति न मिलने के कारण वह दर दर भटकने को मजबूर हो गई। इस कारण विजयदशमी के दिन उसने अपने पति का घर के सामने पुतला बनाकर दहन किया और समाज में एक संदेश देने की कोशिश की कि समाज में बैठे रावण रूपी लोगों का समाज से बहिष्कार कर रावण की तरह जलाकर उन्हें भस्म कर देना चाहिए। वहीं पीड़िता प्रियंका ने बताया कि उसकी शादी को आज 14 साल बीत गए हैं और अभी तक उसका वनवास खत्म नहीं हुआ है। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि योगी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है और आज एक पढ़ी लिखी बेटी का बचाव नहीं हो पा रहा है। पीड़िता ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ रहती हैं आप? मैं वैसे तो जयपुर में रहती हूँ और उड़ई मेरा मायका है और ये मेरे बाबा ससुर का घर है जहाँ पे मैं निवास करती हूँ। हाँ, मेरी ससुराल कह सकते हो आप इसको। हाँ, आज आपने एक अनोखा रावण दहन किया जिसमें अपने परिवार के लोगों की फोटो लगाई है। हाँ, क्या मामला है, क्या वजह रही है? मैं अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया है। देखिए, त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था, कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से दशहरे पे रावण का दहन किया है, अपने पति को रावण का प्रतीक मान के उसका दहन किया और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं तो वो एक रावण का परिवार हुआ, तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर दिया है। क्या ऐसी वजह रही है कि आपने इतना बड़ा फैसला किया, अनोखा आज आपने दहन किया है? राम 14 साल में वापस लौट गए थे, मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, मेरा वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं अपने हक की लड़ाई अभी तक लड़ रही हूँ और 14 साल हो चुके हैं, कोर्ट के चक्कर काट रही हूँ, कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, तलाक का मुकदमा हार चुके हैं, मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं, मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने का, उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है, उस औरत को अभी भी साथ में रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ कि मेरे बाबा यहाँ पे हमें मेरे नाम प्रॉपर्टी की वसीयत करके गए थे जो कि मेरे हक में थी, उसको भी अपने तरीके से दबाव में लेके अपनी तरीके से जो भी कुछ उन लोगों ने किया है अपने हक में करवाने की पूरी कोशिश करी है। मैम, एक और चीज, आपने जागेश्वर नाम के डंडे से इन आग लगाई, इसका ये क्या मामला है? जागेश्वर एक हमारे परिवार का ही एक सदस्य है, उसका नाम जागेश्वर दीक्षित है, वो जीवन भर से उस परिवार में आग लगाने की कोशिश करता रहा है और अभी भी कर रहा है। वो एक ऐसे शख्स है जिसने हमारे परिवार में पूरी तरीके से आग लगा के रखी हुई है और उसी के बेटे के कहने पे हमारे बीच में एक समझौता हुआ था जिसको इस हमारे पति और उनके परिवार ने नकारा, मेरे हक में जो वसीयत थी और उसको भी पता नहीं क्या करके अपने हक में कराया, और जागेश्वर दीक्षित का जो लड़का मुन्ना दीक्षित जिसको जिसने समझौता कराया था उसने इनसे पैसे लेके उनके हक में बयान देके मेरे खिलाफ कोर्ट से मुकदमे को खारिज कराया है। क्या चाहती हैं? न्याय चाहती हूँ मैं। कैसा? मैं चाहती हूँ कि मुझे जैसा भी सरकार से भी न्याय चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले और न्यायपालिकाओं से सपोर्ट मिले मुझे ताकि मैं अपने अधिकार को ले सकूं और जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है पिछले 14 सालों में
उसका इन लोगों को सबक मिलना चाहिए। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जाहिर है योगी सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं के लिए कई काम करने के दावे करती है, ऐसे में अब देखना होगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर वो यूं ही दर दर भटकती रहेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।